Good morning, students. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. Here I am sarjit Kaur. This is a science lecture for class 6. Few days ago, we have started our chapter 13, Motion and Measurements. In the last lecture, we have studied about motion and types of the motion. Today, we will continue with the explanation of the types of the motion. आज हम जो हमारी टाइप्स थी मोशन की उनके नेम्स किए थे लास्ट लेक्चर में सो so, अभी के लेक्चर में हम करेंगे वो उनके टाइप्स इन विद एक्सप्लानशन राइट सो लेट्स कंटिन्यू टूडे सेशन टाइप्स ऑफ मोशन रेक्टीलियर मोशन राइट रेक्टीलियर मोशन कैसा होता है यू मस्ट हैव सीन दैट आई वॉकिंग ऑन आ रोड मूविंग ऑन आ बाइसाइकल कार और बस वी ट्रेवल इन अ स्टेट पाथ हम लोग क्या कर रहे होते हैं एक स्ट्रेट पाथ में वॉक कर रहे होते हैं ज जा रहे होते हैं राइट वेन अ बॉडी मूविंग इन स्टेट लाइन जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है द मोशन इज कॉल्ड रेक्टी लीनियर मोशन राइट जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करती है उसको क्या कहते हैं रेक्टी लीनियर मोशन राइट समझ में आया जैसे ये कार आ रही है राइट right? यहाँ पे देखो ये कर रही है ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है राइट right? इसको क्या कहेंगे रेक्टी लीनियर मोशन हेयर ऑल और बॉडी पार्ट्स हेयर ऑल पार्ट्स ऑफ आर बॉडी द पोजिशन और कवर ऑफ द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम इंटरवल जैसे हम लोगों ने कहीं किसी प्लेस पे जाना होता है देन हमारी बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे वो एक ही टाइम पे सब जगह एक ही जगह पे पहुंचेंगे बिकॉज हम एक हैं राइट सो इन दिस डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन फिक्स ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ बुलेट मोशन ऑफ अ कार फॉलिंग ऑफ अ स्टोन एक्सेट्रा राइट जैसे ये मोशन बुलेट है एक पिस्टल है पिस्टल से बुलेट को आम, पिस्टल से बुलेट निकल रही है तो वो एक रेक्टिलीनियर मोशन में जाएगी राइट वो एक क्या करेगी एक स्ट्रेट पाथ में जाएगी ऐसे राइट रेक्टिलीनियर मीन स्ट्रेट ऐसे वो ऐसे नहीं जाएगी ऐसे बिल्कुल नहीं जाएगी जा ऐसे ऐसे जाएगी नो राइट वो क्या करेगी एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी राइट जैसे इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी राइट वो इधर उधर उनकी डायरेक्शन जिग जैग पाथ में नहीं होगी राइट सो नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन सर्कल तो सबको पता है कि सर्कुल क्या होता है देन देन सर्कुलर मोशन क्या हो गया बेन बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ इट सेट टू बी इन अ सर्कुलर मोशन जब भी कोई बॉडी एक सर्कल में मूव करती है किसी सर्कल में मूव करती है राइट right? अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से फिर वो यहीं पे आके रुक गया राइट right? यहाँ से स्टार्ट हुआ यहीं पे आके रुक गया वो क्या हो गया एक रेक्टी लीनियर मोशन राइट हेयर मोशन आकर अक्रॉस अ फिक्स पॉइंट जो मोशन है एक फिक्स पॉइंट से होगा जैसे हमारी क्लॉक होते हैं राइट फॉर एग्जाम्पल हम क्लॉक के लेते हैं क्लॉक में क्या होगा कि वो एक ही पॉइंट से जो इसकी बुल, जो इसकी देखो ऐसी क्लॉक होता है ना हमारा जो इसकी टाइम इंटरवल है वो चेंज होता रहेगा ऐसे ऐसे सो so, जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है सेंटर है राइट इन सच अ मोशन द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड द फिक्स पॉइंट रिमेन द सेम कहीं से भी देख लो राइट right? कहीं से भी देख लो यहाँ से जा इस डायरेक्शन में जाओ जा इसमें जा इसमें कहीं पर भी जाओ पूरा वन एट थ्री सिक्सटी डिग्री के एंगल पर हर पॉइंट पर जो डिस्टेंस है बॉडी का वो क्या रहेगा सेम रहेगा राइट बट द पोजिशन ऑफ बॉडी चेंज विथ टाइम सिमिलरली जो पोजिशन है कहीं अभी यहाँ पे है फिर यहाँ पे आ जाएगा फिर यहाँ पे आ जाएगा फिर यहाँ आ जाएगा जो पोजीशन है बॉडी की वो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी वन एग्जांपल तो हमने ले ली कि क्लॉक वाली क्लॉक का जो टाइम इंटरवल है वो चेंज हो रह, होता होता रहता है लेकिन जो उनका डिस्टेंस है वो सेम रहता है और सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर बकेट टाइड विद द रॉप एक रॉप के साथ हमने बकेट को टाइटली बाउंड कर दिया उसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं अपनी बाजू से राइट वो क्या हो जाएगा फिर उनका भी डिस्टेंस तो सेम रहेगा और एक हम क्या कर रहे हैं स्टोन टाइड विद द स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ हम स्टोन को बांधा हुआ और उसको हम रोलर को क्या कर रहे हैं घुमा रहे हैं देन उसकी भी पोजिशन सेंटर पोजिशन सेम रहेगी और जो उनका डिस्टेंस है बॉडी का वो भी सेम रहेगा, रहेगा राइट नेक्स्ट इज रोटेटरी मोशन कौन सा आ गया नेक्स्ट रोटेटरी मोशन वेन अ बॉडी मूव अराउंड इट्स एक्सिस इन दस देन सर्च अ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन सर्कुलर का जो बात थी वो क्या था एक सर्कल पाथ में मूव करती है राइट right? ये था सर्कल हमारा देन अ बॉडी मूव अराउंड इट्स एक्सिस जब वो अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है मीन्स वन टाइम नहीं है वो रोटेट करता रहता है यहाँ पे एग्जाम्पल ये गई है मोशन ऑफ अ फैन राइट कैसे रोटेशन ऑफ अर्थ पहले यहाँ पे एक अर्थ की भी रोटेशन की बात की गई है और दूसरे फैन के मोशन की बात की गई है रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सेस कॉज डे एंड नाइट फिनोमिना जैसे वो अपनी एक्सेस से जब वो सन फेसिंग होता है देन क्या हो जाता है वहाँ पर डे आ जाता है जब मून फेसिंग होता है देन वहाँ पर क्या आ जाती है अर्थ पे नाइट आ जाती है राइट right? सिमिलरली जो फैन है फैन का भी एक सेंटर पॉइंट है राइट right? जो यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, इसके जो इसके एक्सेस हैं जो इसके फैन के ब्लेड्स हैं वो अपनी एक्सेस के अराउंड क्या करते रहते हैं और रोटेट करते रहते हैं राइट right? इसको क्या कहते हैं हम रोटेटरी मोशन राइट सो क्लियर हुआ सर्कुलर एक फिक्स पॉइंट से मूव करता रहता है राइट right? उनके डिस्टेंस सेम रहते हैं यहाँ पर डिस्टेंस डिफरेंट भी हो सकता है बट वो अपनी एक्सेस के अक्रॉस मूव करता है राइट right? नेक्स्ट इज पीरियडिक मोशन क्या आ गया हमारा पीरियडिक मोशन ये क्या होता है मोशन दैट रिपीट इट सेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन राइट हमने जैसे क्लॉक की एग्जांपल ली थी उनके डिस्टेंस तो सेम था लेकिन वहाँ पे एक और जो बात थी ना आपके माइंड में भी यही आती कि जो क्लॉक की बात है वो हमने क्लॉक भी एक सेंटर पोजीशन से अपना टाइम इंटरवल है वो बताता रहता है राइट लेकिन जो अगर हम यहाँ पे बात करें टेबल की यहाँ पे क्या बात की है जो मोशन रिपीट होता है अपने आप रुकता नहीं है कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट होता है उसको क्या कहते हैं पीरियडिक मोशन सो so, अगर कभी आपकी वॉल हो के ऊपर जो आपका क्लॉक लगा होता है राइट वो भी कॉन्टिन्यूली रोटेट करती रहती हैं जो उसकी नीडल्स होती हैं राइट वो एक फिक्स जैसे अभी ट्वेल्व हैं और ट्वेल्व आवर्स के बाद ही ट्वेल्व बजेंगे राइट और ये साइकिल होता है जो वो ट्वेल्व आवर्स के बाद रिपीट होता है राइट सो यहाँ पे क्या आ गया पूरे का पूरा का प्रोसेस क्या हो जाएगा रिपीट होता रहता है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे भी वही बात है कि जो सेंटर पॉइंट से है वहाँ से बॉडी का डिस्टेंस नीडल का डिस्टेंस है वो सेम रहेगा राइट सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन कैन बी प्रियोडिक यहाँ पे बात हो रही है जो सर्कुलर मोशन होता है जो रोटेशनल रोटेशनल मोशन होता है कैन बी पीरियडिक मोशन एज द सेम मोशन कैन बी रिपीटेड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम मैंने वहाँ पे भी इसीलिए एग्जांपल दी थी बिकॉज जो रोटेटरी और सर्कुलर मोशन है अगर वो प्रॉपर टाइम के बाद रिपीट हो रहे हैं फिक्स इंटरवल से के बाद वो रिपीट हो रहे हैं देन वो भी क्या हो जाएंगे पीरियडिक मोशन राइट

यहाँ पे एक हमने हैंड क्लॉक की बात कर ली दूसरी मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ अर्थ के अराउंड जब मून मूव करता है वहाँ पे भी प्रियोडिक मोशन होता है राइट right? सो so, अब क्लियर हुआ प्रियोडिक जो सर्कुलर मोशन है और रोटेटरी मोशन है दैट कैन बी प्रियोडिक मोशन राइट वो प्रियोडिक मोशन हो सकते हैं अगर वट इफ द रोटेशन कैन बी रिपीटेड आफ्टर फिक्सड इंटरवल ऑफ टाइम बात क्लियर हुई तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए राइट सो मूव टू नेक्स्ट असिलेटरी मोशन कौन सा आ गया असिलेटरी मोशन असिलेटरी मोशन क्या होते हैं वेन एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रॉम फ्रो अबाउट अ फिक्सड पॉइंट और पोजिशन देन इट इट्स मोशन इज कॉल्ड टू बी ऑसीलेटरी मोशन जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पोजिशन से मूव करता है उसको क्या बोलेंगे ऑसीलेटरी मोशन राइट कैसे होगा इन दिस टाइप ऑफ मोशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑन द ऑन बोथ साइड्स ऑफ फिक्सड पॉइंट रिमेन द सेम यहाँ पे देख रहे हैं हम राइट यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे एक ये ये बॉडी है हमारी यहाँ पे हम एक सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं राइट यहाँ पे ये बॉडी है हमारी राइट वो यहाँ पे हैंग की गई है यहाँ पे क्या कर की गई है, हैंग की गई है कैसे हैंग कर रही है? की गई है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम से उसको क्या कर दिया गया हैंग कर दिया गया वो यहाँ पे भी मूव हो सकती है वो यहाँ भी जा सकती है और वो यहाँ पे भी आ सकती है राइट बोथ साइड पे जाएगी ना द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन एक ऑसिलेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगी जब वो अगर यहाँ पे है यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से वापस आएगी देन क्या हो जाएगा वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगी वन एक ऑसिलेशन एक सर्कल है जो पूरा वो क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा राइट अगर यहाँ से बॉडी मूव कर रही है राइट यहाँ से हम इसको छोड़ रहे हैं यहाँ जाएगी और वापस यहाँ आएगी वो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा एक मोशन कंप्लीट होगा राइट द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन दैट इज फ्रॉम जी ओ टू ए टू बी एंड अगेन टू ए बी टू ए ए टू ओ राइट मैंने यहाँ पे समझा दिया पूरा कि कैसे दोबारा रिपीट कर रही हूँ अगर हमारी बॉडी यहाँ यहाँ पे कोई एक सिंगल पॉइंट पे एक इसको ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया गया हैंग कर दिया गया राइट right? यहाँ पे इसको पकड़ लिया गया देन यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ जाएगी पहले फिर यहाँ जाएगी देन बी से रिटर्न ए आएगी ए से रिटर्न ओ आएगी जब ये यह यहाँ से लेके यहाँ जाने तक और रिपीट यहाँ पे ओ तक वापस आने तक का जो टाइम टेकन टाइम लगेगा उसमें क्या हो जाएगा पीरियड ऑफ वन आइसोलेशन यहाँ से लेके जहाँ आएगी देन बैक टू दिस पॉइंट ओ पे जब बॉडी वापस आ जाएगी देन वो क्या हो जाएगा टाइम टेकन बाई वन आलेशन राइट फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ पेंडोलम मोशन ऑफ अ स्प्रिंग पेंडोलम यहाँ पे एक पेंडोलम की सिंपल पेंडोलम की क्या दी गई है एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे एक मोशन है स्प्रिंग है स्प्रिंग के साथ कुछ भी हमने हैवी चीज़ उसको हैंग कर दी पहले उसको खींच लिया और वापस ओरिजिनल पोजिशन पे चला गया राइट right? वो सेकेंड एग्जाम्पल आ गई वो वाली राइट सो मूव टू नेक्स्ट वाइब्रेटरी मोशन कौन सा मोशन आ गया अब वाइब्रेटरी मोशन राइट वाइब्रेटरी वाइब्रेशन का वाइब्रेशन वर्ड तो सबने सुना है ना आप अपना जो मोबाइल फोन है जब रिंग पे नहीं रखना होता देन आप क्या बोलते हो कि इसको वाइब्रेशन मोड पे लगा दो राइट सुनाया है ना ये वर्ड आपने सो so, देखते हैं अब क्या होता है इफ स्ट्रिंग ऑफ एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार गिटार और वीना हुस एंड आर टाइटली फिकटेड बिटवीन टू पॉइंट्स जब उसको टू पॉइंट के बीच में एक किस चीज़ को स्ट्रिंग को टू एंड्स पे क्या कर दिया गया फिक्स कर दिया गया फिट कर दिया गया राइट एंड रिलीज देन क्या हो गया इस पुल्ड स्लाइटली उसको हमने हल्का सा पुल किया और उसको हमने छोड़ दिया देन टू एंड फ्रो मोशन देट आकर इज कॉल्ड वाइब्रेशन मोशन कभी पे भी आप एक थ्रेड ले लो या कोई जो वायर होगी वो ले लो टू एंड्स पर उसको टाइटली बाँध दो राइट right? देन आप उसके ऊपर अपनी हल्की सी फिंगर लगाओ फिंगर लगाने के बाद वो एक मोशन क्रिएट हुआ आप उसको थोड़ा सा पुल करोगे देन उसको छोड़ देंगे वहाँ पे एक वॉइस क्या होगी प्रोड्यूस होगी उसको क्या होगा वॉइस भी प्रोड्यूस होगी और वहाँ पे उस थ्रेड या उस वायर का मोशन भी होगा उसको क्या कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन बात क्लियर हुई जैसे यहाँ पे गिटार के एग्जांपल लीजिए गिटार की बात हो रही है गिटार में यहाँ पे इस वाले पोर्शन में क्या होता है वो स्ट्रिंग बंद स्ट्रिंग टाइटली हैंग होती है जब वो अपने हैंड के साथ ऐसे रोटेशन करता है उसको पुल करता है और उसको छोड़ता है देन वहाँ पे जो मोशन क्रिएट होता है उसको क्या कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन इन सच अ टाइप ऑफ मोशन द बॉडी डजेंट मूव एज अ होल पूरी बा, पूरी बॉडी है जो उसकी पूरी स्ट्रिंग है वो पूरी मूव नहीं करेगी बट इट्स पार्ट्स रिमेन इन मोशन यूजली जो इसका कुछ पार्ट है वो क्या होता रहता है मोशन में रहता है फॉर एग्जाम्पल ट्यूनिंग फॉक ट्यूनिंग फॉक आ जाता है और वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार राइट गिटार की जो स्ट्रिंग होती है वो चीज आएगी राइट नेक्स्ट इज रैंडम मोशन कौन सा आ गया रैंडम मोशन इफ देर इज नो डेफिनेट पाथ अबाउट द रेगुलटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी जब कि बॉडी का कोई एक डेफिनेट पाथ ही ना हो कि इसको इस डायरेक्शन में जाना है इस डायरेक्शन में जाना है वो वहाँ पे मोशन हो जाए राइट right? देन क्या होगा उस बॉडी को कौन सा मोशन कहेंगे रैंडम मोशन एक्चुअली इन रैंडम मोशन द बॉडी शो मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन वहाँ पे एक से ज़्यादा टाइप के मोशन होते रहते हैं राइट फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ लीव इन एयर जब भी uh, एयर फ्लो हो रही होती है देन जो आपके आपने देखा होगा कि जो ट्रीज़ के लीव्स हैं वो कभी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं कभी किधर घूम रहे हैं कभी ऊपर चले गए कभी नीचे आ गए है ना राइट कभी किस डायरेक्शन में जाके इकट्ठे हो गए वो क्या है रैंडम मोशन जैसे सेकेंड एग्जाम्पल हम किस चीज़ की ले रहे हैं फ्लाइंग बर्ड्स की फ्लाइंग बर्ड कोई भी बर्ड की ले लो जब वो रोटेट करता रहेगा वन प्लेस से राइट जब वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जब वो नीचे की तरफ आ जाएगा ये क्या होगा वो कुछ भी काम करें वहाँ पे फिक्स्ड पाथ क्या है डिफाइन नहीं है इसको क्या बोलेंगे हम रैंडम मोशन नेक्स्ट इज हो गया यहाँ पे हमारे कितने मोशन थे टोटल कंप्लीट हुए हमने कितने मोशन किए थे सेवन फर्स्ट हमने किया रेक्टिलीनियर मोशन राइट रेक्टीलिनियर में क्या था पूरी बॉडी कोई भी बॉडी है वो एक फिक्स डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है क्या होता है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है सर्कुलर सर्कुलर मोशन में क्या होता है जो बॉडी है एक फिक्स पॉइंट से एक सर्कल में रोटेट होती रहती है और वहाँ से सेंटर से लेकर उस बॉडी का जो डिस्टेंस है वो क्या होता रहता है सेम होता रहता है राइट नेक्स्ट इज रोटेटरी मोशन जब वो एक फ़िक्स्ड पॉइंट से अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती रहती है वो क्या होता है हमारा रोटेटरी मोशन देन प्रियोडिक मोशन प्रियोडिक मोशन कौन सा था जो फिक्स इंटरवल के बाद उसकी रोटेशन है वो रिपीट होगी वो क्या हो जाएगा प्रियोडिक मोशन देन ऑसिलेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन कौन सा था जब कि एक फिक्स्ड पॉइंट से किसी चीज़ को पुल किया वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है राइट right? जैसे हमने एग्जाम्पल थी ओ से लेके ए तक ए से बी बी से रिटर्न ए ए से ओ जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है राइट right? उसको क्या बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन राइट देन वाइब्रेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन कौन से थे कभी भी टू एंड्स को किसी भी चीज़ के एक फिक्स टाइटली फिट कर दो वहाँ पे देन उसके ऊपर थोड़ा सा उसको पुल करो और उसको छोड़ दो वो क्या हो जाएगा वाइब्रेटरी मोशन ये पूरी बॉडी मूव नहीं करती इसकी लेकिन थोड़ा सा पार्ट क्या करेगा मूव करेगा राइट नेक्स्ट इज रैंडम मोशन रैंडम मोशन कोई फिक्स्ड बात है वो डिफाइन नहीं होता कि किस डायरेक्शन में जाना है जैसे वर्ड्स की एग्जांपल ली हमने और सेकंड एग्जांपल किस चीज़ की ली थी फ्लाइंग ऑफ लीप्स लीप्स एयर में जब हाई विलासिटी पे जो एयर है वो ब्लो हो रही होती है देन क्या होता है वहाँ पे वो उनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती कि लीप्स को किस डायरेक्शन में जाना है राइट हमने सेवन के सेवन टाइप्स ऑफ मोशन इन डिटेल भी किया और इन शॉर्ट भी किया राइट ये आपको अच्छे से लर्न करें हैं राइट आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि रेक्टिलीरियर में क्या डिफरेंस है सर्कुलर में क्या है रोटेटरी में क्या है प्रोडिक में क्या है ऑसिलेटरी में क्या है वाइब्रेटरी में क्या है एंड रैंडम में क्या है इन सब के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए राइट सो so, हो गया हमारे पूरे के पूरे जो है मोशन एंड हम एक चीज और करेंगे अ बॉडी शोइंग मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन जैसे कोई भी बॉडी एक से ज़्यादा मोशन को शो कर रही होती है वो कैसे होती है

जो आपके वहीकल है वो वो क्या कर रहे हैं एक सर्कुलर मोशन में आपने एक्सेस के अराउंड क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं राइट दोनों को मिला के क्या बन गया कंबाइंड मोशन ऑफ बील राइट क्या बन गया ये जब रोटेशनल मोशन है और रेक्टीलियर मोशन का कॉम्बिनेशन हो गया देन क्या बन गया ये कंबाइंड मोशन ऑफ द बिल राइट बात क्लियर हुई यहाँ पे ये नहीं होता कि एक चीज एक ही डायरेक्शन एक ही मोशन में जाएगी वो वो मोर देन वन मोशन वहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं राइट सो दीज आर द बॉडी शोइंग मोर देन वन मोशन राइट आज हमने पूरी डिटेल में ये हमारे मोशन की टाइप्स की हैं इसको अच्छे से लर्न करना है अच्छे से इनका डिफरेंस क्लियर करना है अपना राइट right? किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम राइट थैंक यू